यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये क्या, मैं दूसरे के घर तो नहीं आ गया कोई कैदे से ठोकाई करने? तो गाइस फाइनली अभी मैं बाजार आ चुका हूँ, ठीक है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्कू लाइफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे एंड बिंदास होंगे। कल का वीडियो देखा होगा, सारा दिन बारिश वगैरह सब होती रही है, ठीक है। तो आज का मौसम कुछ वैसा है, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है। सुबह हल्की हल्की बूंदें पड़ी थी, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई थी और अभी भी बारिश नहीं हो रही है। तो मैंने अभी फाइनली पूरा काम कर दिया है, जानवर वगैरह चारा खा रहे हैं, साफ़ सफाई भी पूरी हो गई है और अभी मम्मा चाय बना कर लेकर आई हैं, ठीक है। तो चलिए चाय पीते हैं। और बाबा जी बैठे हुए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, ठीक है। तभी मैं चाय पीता हूँ और पापा जी को भी देता हूँ, सबको देता हूँ, आपको भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज बनी हुई है ब्लैक टी, जो कि मैं जा रहा हूँ बाबा जी को देने। और ये इधर बिपिन भी खड़ा हुआ है। ये लो, आज बनी है ब्लैक टी, काली चाय, क्योंकि भैंस जो है ना, ये कल जब आई उसके बाद में उसके बछड़े ने पूरा पी लिया, पता ही नहीं चला हम लोगों को। तो इस वजह से आज ब्लैक टी बनी हुई है। और बिपिन देखो आराम से घूम टहल रहा है। इस अभी मैं भी जा रहा हूँ चाय पीने, जो कि ब्लैक टी। तो आओ और आप लोग भी पियो। तो रोज की तरह भाई जा रहा है स्टोर पे, दही मछली, आराम से जाना। मौसम अभी भी गंभीर ही है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो अभी देखते हैं कि मम्मा जी क्या बना रही हैं। क्या बना रही हो मम्मी? रोटी बना रही है। मम्मी चूल्हे में आज रोटी बना रही है। देखो गांव देहात में जो चूल्हा होता है ना, कैसा होता है। गैस पे मम्मा ने सब्जी बना ली है। सब्जी किसकी बनाई है आपको दिखाता हूँ। ये कुंदरू आलू की सब्जी बनी हुई, जो कि सूखी मम्मा ने बनाई है अभी। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मम्मा गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। और ये देखो गांव देहात में किस तरीके का चूल्हा होता है। लकड़ी लगाते हैं, ये कंडे लगाते हैं, फिर इससे खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ पहले खाना इसी से बनता था, लेकिन जब से गैस आ गई गैस में बनता है। लेकिन रोटी जो चूल्हे की रोटी होती है ना, इसमें स्वाद होता है, एक महक होती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग भी खाते होंगे, तो जो गैस की खाते हैं उनकी तो आदत पड़ गई होगी, लेकिन जो अभी चूल्हे से स्टार्ट करके गैस में गए हैं तो उनको इतना अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। चूल्हे की रोटी तो भाई बहुत स्वादिष्ट होती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस अभी मुझे लगी थी भूख, तो मम्मा ने खाना परोस दिया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, कुंदरू और आलू की सूखी सब्जी बनी है, रोटी और ये मूली। तो मैं जा रहा हूँ खाने, तो आओ और आप लोग भी खाओ। तो हे गाइस, आज का मौसम दिन भर से बादल लगे हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है, जैसे कि देख सकते हैं। ये देखो, तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट और दोस्तों ने बुलाया है, उनसे भी मुलाकात करनी है और उसके बाद में हेयर भी कट कराने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर पूरा टाइम मिल जाएगा, ठीक है, तो हेयर कट हो जाएंगे, नहीं तो फिर अगले दिन होंगे। इतना भी हो सकेगा दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो गाइस अभी फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और मेरी बाइक भी रेडी है, बस अब हमें निकलना है। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने दोस्त के घर पर, ठीक है। तो मैं आपको बैक कैमरे से सब दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैं अभी पहुंच चुका हूं और ये है मेरे दोस्त का घर, ठीक है। गेट लगा है, एक है कि दुई गेट है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो आराम से देख। अरे कहना क्या चाहते हो? तो देखते हैं कि वो लोग कहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये रूम है, जैसे कि बताया था, मैं तो पहली बार आया। ओही यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये क्या, मैं दूसरे के घर तो नहीं आ गया कोई कैदे से ठोकाई करने के लिए? नचिया। अरे ये क्या, ये लोग तो पीछे से आ रहे हैं, क्या बात। ये देखो आ गए दिलीप इरेन। मतलब क्या सरप्राइज दिया, बोले कि आओ मैं रूम में बैठा हूँ। जब मैं रूम में आया तो यहाँ कोई नहीं है, और जब मैं जैसे ही एंट्री किया यहाँ रूम से, वैसे ही देखा भाई दोनों पीछे चले आ रहे हैं, क्या बात है भाई। और बताओ कैसे हो? बढ़िया। घर पे सब लोग कैसे हैं? मस्त हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, मस्त रहना ही चाहिए।
इस बार थोड़ा जल्द लेते आइए आर्यन को इतनी बड़ी सुई, वो आर्यन जो था नहीं जो सुई को डर रहा था जो बता रहा था, तो उसी की बात कर रहे हैं कि आर्यन को भी साथ में ले आते। अभी भाई साहब ये लेकर आए कोल्ड ड्रिंक है और ये नमकीन। तो दिलीप तुम क्वेश्चन करो, क्या किस किस खुशी में भाई ये सब चल रहा है बताओ। है चाचा बन गए हैं इसलिए वो कांग्रेट्स चाचा बन गए अभी ये, ठीक है। दूसरी खुशी में कोल्ड ड्रिंक चल रही है तो हम भी आए, ठीक है, ज्वाइन किया है। हाँ तो यही चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बस फन करते रहते हैं, ठीक है। तो आओ और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। भाई साहब ने अभी दिए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो आओ और आप लोग भी इंजॉय करो। और मैं तो पीने जा ही रहा हूँ, ठीक है यार, ये तो ठंडी है। क्या 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 ठंडा ठंडा नहीं होगा तो क्या गर्म होगा, कोल्ड ड्रिंक किस लिए होती है तो ये सही नहीं। तो चलो अभी हम दोस्तों से बात करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस फाइनली अभी मैं बाजार आ चुका हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को पूरी बाजार बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये केला क्या रेट लगा और बैंगन? बैंगन 15 का था। अच्छा बैंगन भी 15 का था। फूल गोभी कैसे लगा भाई? फूल गोभी अच्छा, ये 10 का एक है, 15 की दो है। भाई आलू का रेट बता दो। आलू भाई 40 का ढाई किलो 40 का ढाई किलो लगी है अभी। आलू के रेट जो है बढ़ गए हैं चाचा। अरहर की दाल क्या रेट लगी है? 90 रुपए 90 रुपए 100। तो ये 90 में है, ये वाली 100 में है। अरहर की दाल चाचा कैसे लगा? ये वाली 90 में है, ये 80 में, वो वाली 100 में। अरहर की दाल है ये, 1 किलो देना है ना। और चना की दाल 1/2 किलो बस। तो गाइस फाइनली जो मुझे लेना था बाजार में वो मैंने ले लिया है। टाइम देखता हूँ थोड़ा सा तो फिर बाल कटवा लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर निकलता हूँ घर की तरफ क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब बस घर पे ही मिलते हैं। और ये जो बाजार है ये दही चौकी की है जो कि पुरवा और मोरावा वाली रोड पे लगती है, ठीक है, दही चौकी की बाजार बोलते हैं इसको। फाइनली अभी मैं बाजार से आ गया हूँ अपने घर, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो आज तो भाई बहुत अच्छा लगा अपने सभी दोस्तों से मिलकर। इसके साथ ही साथ मैं बाजार गया था, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया है कि हमारे गांव देहात में बाजार कैसी लगती है। और जो लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को पता ही होगा कि गांव देहात की बाजार कैसी होती है, ठीक है। और कल की बाजार जो मैंने बिछिया की बाजार बताई थी जहां पे टीन सेट के बारे में मैंने बात किया था, लेकिन ये जो दही चौकी की बाजार है तो इसमें टीन सेट लगा है, लेकिन जहां पे पहले पुरानी जगह बाजार लगती थी वहां पर बढ़िया फर्स्ट क्लास बना है, टीन सेट वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर बारिश की वजह से शायद पानी है जिसकी वजह से ये बाजार अभी फील्ड में लग रही है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ढेर सारा प्यार ऐसे ही अपने छोटे भाई को देते रहो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, जय हिंद जय भारत।